हे गाइस, वेलकम बैक टू शॉर ऑफ इंग्लिश। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ वोकैबुलरी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं आपकी डेली रूटीन के लिए। तो पहले वर्ड हमारे पास है डेलिनिएट। डेलिनिएट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ का चित्रित करना, विवरण करना, रूपरेखा प्रस्तुत करना या उसका चित्र उतारना। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो डेलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब इन डिटेल्स, ठीक है, टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना, जैसे कि उसका डिस्क्राइब करने के तरीके, जैसे आप चित्रित कर सकते हैं, विवरण कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उस प्रकार से उसका मतलब होता है डेलिनिएट। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिस्क्राइब, पिक्चर, रिप्रेजेंट, पेंट और एक्सप्लेन करना। किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से और डिस्क्राइब करना, डिटेल्स में डिस्क्राइब करना, उसको कहा जाता है डेलिनिएट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? द वे टू द हॉस्पिटल वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड ऑन द मैप। द वे टू द हॉस्पिटल, जो रास्ता है हॉस्पिटल का, वॉज क्लियरली, बहुत साफ था, डेलिनिएटेड, चित्रित किया हुआ ऑन द मैप। ठीक है, मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया था हॉस्पिटल का रास्ता, चाहे वो हाईलाइट किया गया हो, चाहे वो चित्रित किया गया हो, या वो अलग तरीके से उसको रूपरेखा प्रस्तुत की गई हो, तो उसको डेलिनिएट कहा जाएगा। याद करने का तरीका क्या है इसका? डेलिनिएट मतलब डिस्क्राइब इन डिटेल्स, ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स को कहा जाएगा डेलिनिएट। ठीक है, तो सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है? ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई ये वर्ड है, इसको आप सीधा डिफाइन कर सकते हैं सेटिस्फाई से। ठीक है, एक वर्ब है, क्रिया है, और ग्रेटिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को संतुष्ट करना, आनंद करना, ठीक है, प्रसन्न करना, टू सेटिस्फाई समवन, डिलाइट, चार्म। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? घूस देना, जिसको आप ब्राइब कहते हैं इंग्लिश में। तो दो मीनिंग होते हैं इसके। तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता दी है याद करने की, ग्रेटिफाई को आपको रिलेट करना है सेटिस्फाई से। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? डिलाइट, चार्म, सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई समवन, किसी को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करना। एंटोनिम्स क्या है? डिससेटिस्फाई। ठीक है, अब देखिए, ग्रेटिफाई एक वर्ब है, वर्ब कहने का मतलब जिसका पास्ट फॉर्म भी होगा, पास्ट फॉर्म में इसका ग्रेटिफाइड हो जाता है, और अगर थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो ग्रेटिफाइज। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? देखिए, इसका आप अगर बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगर आप इसको एक बार देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये बहुत ही आपके लिए सिंपल हो जाएगा चीज़ें। अगर ये पूरा पेज भरा हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो उससे मत डरिए, इसको सिंपली जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सुनते रहिए, ये इजिली आपको याद हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, योर मोर अर्निंग्स कैन ग्रेटिफाई योर फैमिली। योर मोर अर्निंग्स कैन ग्रेटिफाई योर फैमिली, कि तुम्हारी जो अर्निंग्स है ना, तुम्हारी ज़्यादा अर्निंग्स कैन, सकती हैं ग्रेटिफाई, आनंद दे सकती हैं तुम्हारी फैमिली को। तुम्हारी ज़्यादा अर्निंग्स तुम्हारी फैमिली को आनंद दे सकती है, प्रसन्न कर सकती है, संतुष्ट कर सकती है। तो यहाँ पे वर्ड है ग्रेटिफाई। दूसरा क्या है? योर गुड मार्क्स ग्रेटिफाइड मी वेरी मच। योर गुड मार्क्स, कि तुम्हारे अच्छे नंबर ग्रेटिफाइड, मतलब मुझे उन्होंने संतुष्ट किया तुम्हारे अच्छे नंबरों ने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गवर्न। गवर्न एक वर्ड है जो गवर्नमेंट से मिला है। ठीक है, कंट्रोल द पब्लिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री को, देश को, या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसके लिए वर्ड होता है गवर्न। नियंत्रित करने वाला, शासन करने वाला, या नियंत्रण करना, ये भी एक वर्ब है जिसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? गवर्न्ड, गवर्निंग या गवर्न्स, थर्ड पर्सन के साथ आएगा तो गवर्न्स हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या है? गवर्नमेंट, बॉस, कैप्टन या कंट्रोल। और एंटोनिम्स, डीरेगुलेट या अनियंत्रित करना, ठीक है, या नियंत्रण मुक्त करना। गवर्न वर्ड है, गवर्नमेंट से आप रिलेट करिए कि जो गवर्नमेंट हम पे नियंत्रण करती है अपना, उनके रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वैसे ही वर्ड है गवर्न। एग्जाम्पल क्या है? ही गवर्न्स दिस होम और फैमिली। ही गवर्न्स दिस होम, कि वह इस घर को नियंत्रित करता है, या इस घर पर वो शासन करता है, या इस घर को नियंत्रित करने वाला है, या समझ सकते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसकी बात घर में सुनी जाती है, ये पर्सन उस घर का नियंत्रण करने वाला है, या फैमिली बोल सकते हैं, जो किसी किसी फैमिली में एक हेड होता है ना, कि जो एजड होते हैं वो हेड होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो हेड द्वारा बताए जाते हैं, तो उनको फॉलो किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है, ब्रिटेन इज गवर्न्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट।
ब्रिटेन जो गवर्नड मतलब नियंत्रित की जाती थी बाय द प्राइम मिनिस्टर पीएम के जरिए और कैबिनेट के जरिए, ठीक है, तो दोनों का मतलब आप समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है माइटी। माइटी एक एडजेक्टिव है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, जैसे कि शक्तिमान, ताकतवर या पराक्रमी। तो जो भी इंसान बहुत ज़्यादा शक्तिमान होता है, ताकतवर है कोई भी चीज़ या पराक्रमी है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा माइटी। सिनोनिम्स क्या है देखिए, इससे आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, मैं सबका आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे पहला वर्ड हमारे पास है हैवी, इम्पॉर्टेंट या पॉटेंट, पावरफुल, सिग्निफिकेंट या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब वही है कि शक्तिमान है, ताकतवर है या पराक्रमी है। सिग्निफिकेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है आपके लिए, सिग्निफिकेंट। अब इसके एंटोनिम्स सुन लीजिए, बहुत ईजी हैं। हेल्पलेस, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है, नपुंसक, ठीक है, नपुंसक से यहाँ पे मतलब क्या है कि जिसमें क्या है पराक्रमी या शक्तिमान या ताकतवर नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, लिटिल छोटा है, पावरलेस है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वीक है मतलब शक्तिहीन है। देखिए इम्पॉर्टेंट और इस दो की वर्ड में ना आप स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइए, ये इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब होता है नपुंसक, और ये इम्पॉर्टेंट है जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ही इज अ माइटी क्रिकेटर, कि वह एक माइटी मतलब शक्तिशाली क्रिकेटर है या ताकतवर क्रिकेटर है, ठीक है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई आउट नहीं कर सकता, ही इज अ माइटी क्रिकेटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है उसी से रिलेट है ऑल माइटी, ठीक है, माइटी से भी बहुत ज्यादा वर्ड ये ऊपर है, जैसे कि माइटी मतलब शक्तिमान, ऑल माइटी मतलब सर्वशक्तिमान, अधिक ताकतवर या अधिक पराक्रमी, अनलिमिटेड इन पावर, एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक है, एडजेक्टिव सेम वर्ड है, आप उसका सिनोनिम समझ लीजिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये वर्ड, उसका दुगना है, समझ लीजिए। ही वॉज एन ऑलमाइटी फाइटर, ही वॉज एन ऑलमाइटी फाइटर, कि वह एक ऑलमाइटी मतलब शक्तिशाली सर्वशक्तिमान फाइटर था, एक सोल्जर था, फाइटर था, समझ सकते हैं, ही वॉज एन ऑलमाइटी फाइटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ड्वेल। ड्वेल मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। उनका कहना है डू नॉट ड्वेल, कि मत करो ड्वेल, ध्यान केंद्रित इन द पास्ट, अपने भूतकाल पर ध्यान केंद्रित मत करो, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, डू नॉट मत करो ड्रीम, भविष्य का ड्रीम मत देखो, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान केंद्रित करो द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी के जो आप अभी की जिंदगी जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट को आप कॉन्सेंट्रेट करो, भूतकाल को छोड़ दो, भविष्य के बारे में छोड़ दो, सिर्फ प्रेजेंट का जो मोमेंट है उसके बारे में आप सोचो। तो ड्वेल मतलब क्या है, ध्यान केंद्रित करना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंडेम। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना। कुछ लोग होते हैं कि जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो कंप्लेन करते हैं, कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल कंप्लेन, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज मतलब क्या है, आलोचना करते हैं वो लोग, ठीक है, कंडेम शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, जो अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। एक्चुअली अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ क्राउडली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो कहना क्या है, अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन, एक सरकारी प्रवक्ता, कंडेम मतलब उसने निंदा करी द बॉम्बिंग, जो बमबारी की गई है, एज अ क्राउडली एक्ट ऑफ टेररिज्म। कह रहे हैं कि जो एक गवर्नमेंट का प्रवक्ता है उसने इस चीज की बहुत आलोचना करी है कि भीड़ में बमबारी की गई है जिसको उन्होंने टेररिज्म का नाम दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं। और जब आप एक बीमा कर लिया, आपने बीमा कर लिया, अब आप क्या है, इंश्योर्ड हैं कि आपका बीमा हो गया है, नाउ यू आर इंश्योर्ड। जिस पर्सन ने इंश्योरेंस किया है वो पर्सन कहलाता है इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपना फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस करवाने के बाद मेरा फ्यूचर इंश्योर्ड हो गया, ठीक है, मेरा फ्यूचर इंश्योर्ड हो गया या मेरा बीमा हो गया। अब जब ये हो गया तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक इंश्योर्ड पर्सन कहलाऊंगा, बीमा कराने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैंने बीमा करवाया है, ठीक है। चार वर्ड आपको यहाँ से याद हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, रैम्पेज, ठीक है। किसी भी पर्सन को आप, एक नाउन है,
क्रोधपूर्ण आचरण, हिंसात्मक आचरण, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी तोड़ फोड़ करना, उधम मचाना, हिंसात्मक व्यवहार करना, रैम्पेज वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पुलिस वर कॉल्ड आउट व्हेन अ ग्रुप ऑफ ड्रंकन यूथ्स वेंट ऑन अ मिडनाइट रैम्पेज। पुलिस वर कॉल्ड आउट व्हेन अ ग्रुप ऑफ ड्रंकन यूथ्स वेंट ऑन अ मिडनाइट रैम्पेज। कहने का मतलब है पुलिस वर कॉल्ड आउट, पुलिस को बुलाया गया, व्हेन अ ग्रुप ऑफ ड्रंकन यूथ्स, जब ग्रुप एक समूह ऑफ ड्रंकन यूथ्स, एक जवान युवकों का समूह, आधी रात को वेंट ऑन अ मिडनाइट रैम्पेज की, उन्होंने जब नशे में धुत होकर युवकों ने हंगामा किया, तो तब उस वजह से पुलिस को बुलाया गया, ठीक है। बहुत ही एक फनी सा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधी, ऑपोजिट। एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की क्या होती है, पैराडॉक्स होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। नाउन है वर्ड, एग्जाम्पल क्या है, इट्स पैराडॉक्स दैट इन रेस्टोरेंट्स पीपल लेफ्ट टू मच फूड व्हाइल आउटसाइड पीपल आर स्टार्विंग, ठीक है। ये एक कड़वा सत्य है कि यह विरोधाभास है, या यह एक विरोधी चीज है कि रेस्टोरेंट में लोग बहुत ज्यादा खाना छोड़ देते हैं जबकि बाहर के लोग वहां भूखे मर रहे हैं। इंडिया में भी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे लोग कहीं कहीं शादियों में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है, और कुछ लोग किसी और जगह बहुत ज़्यादा भूख से मर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है पैराडॉक्स, जब कोई ऑपोजिट चीज़ होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल एक मैं आपको एक ईडियम बताता हूँ यहाँ पे, डॉग ईट डॉग, भाई भाई का दुश्मन है, ठीक है। कुत्ता कुत्ते को खाता है, ऐसा इसका हिंदी मतलब है, लेकिन ये एक इंग्लिश का idiom है जिसका मतलब होता है भाई भाई का दुश्मन है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का क्या होता है, दुश्मन होता है, ठीक है, कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है, वैसे ही भाई भाई का दुश्मन है nowadays, आज की दुनिया में, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद हो गया, पैराडॉक्स व्हेन समथिंग इज ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेमिटेरी। सेमिटेरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान। सिंपल वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। He was buried in cemetery. कि वह दफनाया गया था, buried, दफनाया गया था in the cemetery, कब्रिस्तान में वह दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद वर्ड है impose. Impose मतलब to make a law, rule, opinion, etc. जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या है, लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है, थोपा गया है, लॉकडाउन लादा गया है या लागू किया गया है, उसके लिए वर्ड है इम्पोज। I hate to impose on you, but can you lend me some money? I hate to impose on you. मैं तुम पर ये चीज़ थोपना तो नहीं चाहता, प्रभाव तो नहीं डालना चाहता या लादना तो नहीं चाहता, but लेकिन can you lend me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो? तो example है, मुझे आप पर थोपने से नफरत है, ये चीज़ आप पे प्रभाव डालने से नफरत है, लेकिन क्या मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, एक शॉर्ट वर्ड है टुमारो का, जो टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। तो स्लैंग में या स्टोरी में ये वर्ड का यूज किया जाता है मोरो। सिनोनिम्स क्या है, टुमारो या नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, अगला दिन बोला जाता है, सी यू मोरो या आई विल टेल यू मोरो, स्लैंग वर्ड है, याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अम्यूज। अम्यूज एक वर्ब है, पास्ट फॉर्म है अम्यूज्ड, थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा अम्यूजेस, ठीक है। किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना, किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना, थिंकिंग दैट समथिंग इज फनी एंड वॉन्टिंग टू लाफ और स्माइल। कोई भी सिंपल एग्जाम्पल पे आता हूं मैं, आई अम्यूज्ड टू हियर हिज जोक, आई अम्यूज्ड टू हियर हिज जोक, उसका चुटकुला सुनकर मैं खुश हो गया। तो कोई भी चीज़ है, अगर आपको सुनकर बहुत ज़्यादा आपको फनी लगे, मजेदार लगे, आपको उस चीज़ को सुनकर हंसी आए, तो आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड का, उसका जोक सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया या मुझे उसका जोक बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा। एवरीबडी लाफ्ड बट आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट अम्यूज्ड देम। एवरीबडी लाफ्ड, सब हंस रहे थे, लेकिन आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा था व्हाट अम्यूज्ड देम, क्या उन्हें फनी लगा या उसमें उन्हें क्या मज़ा आया। तो वर्ड है अम्यूज। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही अगर आपको वोकैबुलरी को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दो वीडियोस के और लिंक लगा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, तो इंक्रीज योर वोकैबुलरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।